मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। टीचर बनी डीएम मैडम, जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बच्चों से सुने पहाड़े पर की शिक्षा की गुणवत्ता। लखीमपुर खीरी के जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने बुधवार सुबह ब्लॉक लखीमपुर के कई परिषदीय स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक विद्यालय चिमनी में पहुंची डीएम ने शैक्षिक गुणवत्ता पर की। उन्होंने टीचर की तरह क्लास लेकर विद्यार्थियों को पढ़ाया। उनसे 2 और 4 का पहाड़ा सुनने के साथ ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर शिक्षा की गुणवत्ता पर की। निरीक्षण के दौरान डीएम ने शिक्षकों की उपस्थिति के संबंध में बच्चों से ही पूछताछ की। नामांकित बच्चों के सापेक्ष उपस्थित बताई। डीएम ने कक्षा में छात्रों से पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। स्कूलों में पढ़ रहे छात्र व छात्राओं को मन लगाकर पढ़ाई करने और अपने परिवार व जिले का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। शिक्षक अभिभावकों से संपर्क कर छात्र उपस्थिति बढ़ाएं। डीएम ने संविलयन विद्यालय आधार चार्ट में कक्षा 5 के निरीक्षण के दौरान पाया कि सहायक अध्यापिका कल्पनाराज बच्चों को गणित पढ़ा रही थी। डीएम ने क्लासरूम में स्वयं ब्लैक बोर्ड पर पहुंचकर बच्चों से जोड़ घटाव के सवाल पूछे। सही जवाब देने पर उनका उत्साह बढ़ाया। रीडिंग क्षमता का जायजा लेने के लिए डीएम ने क्लास 4 की छात्रा सोनिका अंजू, क्लास 6 की छात्रा रूपा से पुस्तक पढ़वाई। बच्ची ने पुस्तक का पैरा पढ़कर सुनाया। निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से डीपीआरओ विशाल सिंह, बीएसए प्रवीण तिवारी, बीडीओ सदे ज्ञानेंद्र कुमार सिंह मौजूद रहे। पीएस चिमनी में डीएम ने बच्चों से सुने पहाड़े। प्राथमिक विद्यालय चिमनी के निरीक्षण के दौरान डीएम ने उपस्थित पंजिका से बच्चों की उपस्थिति का सत्यापन किया। छात्रा रूबी अंशु से क्लासरूम में मौजूद बच्चों की संख्या भी गिनवाई। बच्चों से पहाड़े सुने, सही सुनाने, तालियां भी बजवाई। डीएम ने बच्चों के हाथ साफ कर भोजन करने, उठने के बाद और सोने से पहले ब्रश करने के फायदे बताकर इसे दिनचर्या में शामिल करने की प्रेरणा दी। निर्माणाधीन विद्यालय भवन का भी निरीक्षण कर गुणवत्ता देखी। बीडीओ सदर को निर्देश दिए गए कि अपने सुपरविजन में 1 माह में भवन को गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराया जाए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।